एक कबूतरों का समूह जा रहा था, जाहिर सी बात हर समूह में एक सरदार होता है, जैसे आप लोगों की क्लास में कोई ना कोई सरदार होगा जो आए दिन जब भी शिकायतें होती हैं तो वो सबसे पहले आके खड़ा होता है। तो दो तीन कबूतर उड़ते हुए जा रहे थे आसमान में, नीचे देखे कुछ दाना पड़ा हुआ था, दाना मतलब जो कबूतर खाते हैं। तो एक कबूतर ने कहा कि सरदार यहाँ दाने पड़े हुए हैं, चलिए खा लेते हैं। तो सरदार ने कहा कि यहाँ पे दाना पड़े होने का कोई औचित्य लग नहीं रहा है, यहाँ दाने क्यों पड़े हुए हैं। तो सबने कहा अरे सरदार जी आप हर बात में शक करते रहते हैं, चलिए खा लेते हैं ना। तो पूरे समूह का जो निर्णय था कि भाई दाना खाना है, तो सरदार जी भी मान गए कि चलिए खा लेते हैं। तो जब दाना खाने के लिए गए तो जाल में फंस गए वो लोग, क्योंकि वो दाना पड़ा ही वहाँ इसलिए था। तो जब जाल में फंस गए तो सभी परेशान हो गए, क्योंकि अब तो मौत निश्चित है। अब देखिए यहाँ पे जो सारे लोग, जो समूह के सारे कबूतर हैं, वो चिल्ला रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं, उन पर जो भावनात्मक वाला पक्ष है वो हावी है। भावनात्मक पक्ष क्या है उस टाइम उनका, उन्हें डर लग रहा है। डर किस चीज़ का है भाई, मौत का है। अब वो फंस गए हैं तो जाहिर सी बात है उनका गोश्त ही बनेगा, तो अब वो डर रहे हैं इस बात से, यानी उन पर भावनाएं हावी हो रही हैं। लेकिन जो सरदार है वो सोच रहा है, ऐसा नहीं कि डर उसे नहीं लग रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, फिर भी वो अपने जो इंटेलेक्चुअल पार्ट है, जो उसका बुद्धिमत्ता वाला पार्ट है, उसका इस्तेमाल कर रहा है और वो सोच रहा है कि इससे कैसे निकलना चाहिए। और वो सारे कबूतरों को समझाता है कि चिल्लाओ मत, ध्यान से समझो कि इस सिचुएशन से हमें बाहर कैसे निकलना है। सभी थोड़ा शांत होते हैं। अब यहाँ उसने देखिए बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया, सब में ये कहीं ना कहीं ये भाव जगाया कि अभी भी हम बच सकते हैं, अभी भी हम बच सकते हैं, क्योंकि सबने तो सोच लिया था कि अब हमें मरना ही है। तो सरदार ने कहा एक काम करते हैं, मरना तो है, एक कोशिश कर लेते हैं हम लोग, सभी लोग एक साथ ही ताकत लगाते हैं और जाल लेके ही उड़ जाते हैं। भाई जाल में फंसे रहेंगे अगर अलग अलग ताकत लगाएंगे तो, अब आप लोगों ने हमेशा ही सुना होगा कि एकत्रित होने से शक्ति दोगुनी होती है, एक और एक 11 होते हैं। तो सभी लोग ताकत लगाते हैं और जाल लेके ही उड़ जाते हैं, और इस तरह से सबकी जान बच जाती है। फिर जाहिर सी बात है जाल लेके उड़ गए, कहीं बैठे होंगे, धीरे धीरे जाल को काटना शुरू किए होंगे। तो अब यहाँ पे देखिए हमने भाव बताए, भाव क्या थे, सारे कबूतरों का भाव था वो डरे हुए थे, वो वहाँ पे इंटेलिजेंस का प्रयोग नहीं कर रहे थे। ऐसा नहीं सरदार कबूतर डरा नहीं था, लेकिन वो उस टाइम इंटेलिजेंस का भी प्रयोग किया और भावनाएं थी उसके अंदर, उसे भी डर लग रहा था, लेकिन उसने मैनेज किया उन सब चीज़ों का। और जब मैनेज कर ली चीज़ों का तो एक उसका एक निचोड़ निकल आया कि चलो हम सब साथ लेकर के इसको उड़ चलते हैं। यानी निष्कर्ष क्या निकला कि अपनी भावनाओं को और सामने वाले की भावनाओं को समझना और उसका प्रबंधन करना, सही तरीके से प्रबंधन करना और एक पॉजिटिव कंक्लूजन निकालना आपका भावनात्मक बुद्धिमत्ता कहलाती है।